एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, अभी आपको लेकर नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। तो गाइस, ये जर्नल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, ओके। और टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ये रीडिंग सभी जोडियक साइन स्टार साइन के लिए होने वाली है। और आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। ऊपर वाला जल्दी ही आपकी सारी विशेष पूरी कर दें, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाए, और जो भी विशेष हैं आपकी सब पूरी हों, और आप नेगेटिविटी को अपने से दूर कर दें, सब कुछ पॉजिटिव रहे, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाए, जितने भी बीमार हैं ऊपर वाला उनको अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे, ठीक है गाइस। और जिनके पास जॉब नहीं है ऊपर वाला उनको जॉब दे, और जिनके भी घर में लाइफ में नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाए, सभी के घर में और लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी आए। जो सिंगल है उनको उनके पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाए, जो मैरिड है उनके पार्टनर से उनका जल्दी रीयूनियन हो जाए, थर्ड पार्टी हमेशा के लिए सभी की लाइफ से चली जाए, ठीक है गाइस। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है। आर्केंजल माइकल, आर्केंजल गैब्रियल, आर्केंजल मैटाडोर, आर्केंजल यूगल, आर्केंजल चैंपियंस, प्लीज हमें गाइड करें हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। सभी के मन को शांति और सुकून दें। द फूल, नाइन ऑफ कप्स, बड़े स्मार्ट हैं आपके जो भी पार्टनर हैं। बहुत ज़्यादा हैं गाइस, ओके। तीन चार कार्ड्स ही आ रहे हैं, तो अब हम ये कार्ड्स ले रहे हैं। टू ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, पहले तीन चार कार्ड्स आए तो हमने नहीं लिए, फिर चार कार्ड्स आए तो हमने ले लिए। क्यों दिए एंजल्स ने हमें ये कार्ड? किंग एंड क्वीन, द लवर्स, टू ऑफ कप्स, सही है। थैंक यू एंजल्स हमें गाइड करने के लिए, अच्छा है। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्या हुआ है ये? किसी की तो एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है भाई यहाँ पर। नाइट ऑफ वैंड्स, जीत तो पक्की है आपकी, चाहे किसी भी चीज़ में लीजिए। द एम्परर, अगर आप भी बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, आपको इन दिनों में गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर आप नेगेटिव हो रहे हैं, तो आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, नेगेटिविटी में नहीं जाना है, पॉजिटिव ही रहना है। मतलब कि आपके जो थॉट्स चलते रहते हैं पूरे टाइम, एक चीज़ को लेके दो तीन घंटे तक या दो तीन दिन तक सोचते रहना, अगर किसी ने बहुत छोटी सी बात कह दी है घर में, फ्रेंड्स में, या बाहर भी, ऑफिस में या बिजनेस डील में, तो उस चीज़ को लेके अपने ईगो पर लेकर जाते हैं आप लोग। ईगोइस्टिक मत बनिए, मतलब थोड़ा सा अपने आप को शांत कीजिए। चीज़ें जो है आपके बस में, देखिए ऊपर वाला सारी चीज़ें डिसाइड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कर्म भी बहुत काम आते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को ये समझाती हूँ कि आपको अपना मन शांत रखना है, अपने थॉट्स को कंट्रोल करके रहना है, बड़ी शांति से अपने आप को संभाल कर रखना है। जैसे कि जब मम्मी पापा हमें चलना सिखाते हैं, तो वो हमें इसे छोड़ नहीं देते हैं,
ऐसे ही अपने आप को, आपको अपने थॉट्स को छोड़ नहीं देना है, जैसे वो हमारी उंगली पकड़ के धीरे धीरे स्टेप लेते हैं, हम धीरे धीरे चलना सीखते हैं, उस तरीके से आपको धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, तब आप अपनी लाइफ में जाके आगे बढ़ सकते हैं। पता नहीं सही एग्जांपल दिया है मैंने या नहीं, लेकिन ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अपने थॉट्स को कंट्रोल में करना सीखिए, ठीक है, तब आप लाइफ में हर चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे, आपको रियलिटी समझ आएगी अपनी लाइफ की, रिलेशनशिप की, सभी चीज़ों में, ठीक है। गुस्सा मत किया कीजिए, आप लोग मन शांत रखिए, चिड़चिड़ नहीं करनी है, ओके, क्योंकि बिला वजह आपको को तो किसी पर्सन ने दिल दुखा दिया, आपके पार्टनर ने, किसी रीज़न से आप परेशान हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बिहेवियर से, अपने गुस्से से किसी ऐसे पर्सन का दिल दुखा देंगे अपने फैमिली में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, या अपने बिजनेस जो भी आपकी टीम होगी उसमें, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके कर्म में आ जाएगी, सामने वाले सोचेगा भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, इसने मुझे इतना बुरा भला कैसे कर दिया। इसलिए अपने कर्मों को साफ रखने के लिए, तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, काफ़ी बातें हो गई हैं, ठीक है। द फूल की एनर्जी हमें गाइस ये बताती है आपके पार्टनर के लिए कि आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ही फनी तरीके से उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म किया होगा, कोई रीज़न भी नहीं दिया होगा कि भाई मैं ये रिश्ता क्यों ख़त्म कर रहा हूँ या क्यों ख़त्म कर रही हूँ, या एक्चुअल में ये रीज़न है। उनको आगे बढ़ना होगा तो किसी ने तो फैमिली का बहाना ले दिया, किसी ने कोई थर्ड पार्टी में चले गया, कुछ ऐसी जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ हुई होगी, लेकिन उतनी ही मतलब आपके जो पार्टनर है ना, वो इतने ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं, ओवर स्मार्ट हैं कि उनसे चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें उन्होंने कर ली बिना सोचे समझे, लेकिन अब आपके पार्टनर वापस लौट कर आना चाहते हैं, भले से उनको कोई रोकेगा भी ना, तो भी वो आपकी तरफ फिर से शुरुआत करेंगे। मतलब ये उन्होंने डिसाइड कर लिया हुआ है कि आपसे अगर इस टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई आगे रिश्ते को किस तरीके से बढ़ाना है, आपको वो ये भी दिखा सकते हैं कि इस रिश्ते में कितनी नेगेटिविटी हो सकती है, या हम लोग आगे जाके किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है हम लोगों को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम लोग शायद हैंडल नहीं कर पाए, तो तुम मेरा साथ दोगी या दोगे, कुछ इस तरीके से वो आपको आपके साथ बात करेंगे और नई शुरुआत यहाँ पे करना चाहते हैं पूरे तरीके से आपके पार्टनर। यहाँ पे हमारे पास है 9 of Cups, ये कार्ड हमें दिखाता है कि आपके पार्टनर ओवर स्मार्ट है, उसी चक्कर में आके सारी गलतियाँ कर जाते हैं, लेकिन एक चीज़ वो बिल्कुल सही करें कि इसी वजह से वो आपकी तरफ आएंगे, लौट कर आएंगे, नई शुरुआत भी करेंगे, पूरा दिमाग लगा रहे हैं। दिमाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी ये आदत है जहाँ पे दिल से काम करना होता है, दिल से सोचना होता है, वो वहाँ पर भी दिमाग से ही सोचते हैं, तो ये उनका नेचर कह सकते हैं आप लोग अपने पार्टनर का। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी कि जब आपके पार्टनर पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो प्लानिंग है आपकी तरफ नई शुरुआत करने की। 2 of Cups का कार्य गाइस, ये कार्ड हमें दिखाता है कि आपके पार्टनर जो ये दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं अपना, ये वापिस आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि उनको नई शुरुआत करनी है, आपके जैसा पार्टनर उनको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपने पार्टनर को सपोर्ट किया होगा चीज़ में, प्यार बहुत दिया होगा, केयर बहुत दी होगी, आप उनसे शादी करना चाहते होंगे, किसी किसी के तो लाइफ में शादी के आप लोगों ने प्रॉमिसेस किए होंगे या बात आगे तक भी बढ़ गई होगी, और जो मैरिड है उनके लिए भी सेम एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपके पास लौट कर आएंगे, भले से उन्होंने किसी भी तरीके से दूसरों की बातों में आकर आपके आपके साथ बुरा बिहेव किया हो, आपसे दूरियां बना ली हो, लेकिन वो बड़ा दिमाग लगा रहे हैं कि मुझे मेरे पार्टनर के पास लौट कर कैसे जाना है, उनका ईगो भी नहीं टूटे और उनको झुकना भी नहीं पड़े, इसलिए वो दिमाग लगा रहे हैं आपके साथ नई शुरुआत करके, आपके साथ वापस इस रिश्ते को शुरू करने के लिए, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये कार्ड बताता है कि गाइस इस वक्त आपके पार्टनर ये समझ रहे हैं कि शायद आप ज़िंदगी में नई शुरुआत कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, आपने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, और अगर उन्होंने इस रिश्ते को शुरू करने में और ज़्यादा देर लगाई तो आप अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे, या उनको एहसास दिलाया है आपने कुछ, आपने इंस्टाग्राम पे या कहीं फेसबुक कहीं पर ऐसी फोटोग्राफ्स या कुछ स्टेटस आपने ऐसे डाले हैं कि उनको ये महसूस हो रहा है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं कोई और पर्सन तो नहीं आ गया है आपकी लाइफ में इस डर की वजह से। अब बात करें आपकी, तो आपने सेल्फ लव करना कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स ने शुरू कर दिया है, या फिर कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है, हम लोग को स्टक नहीं रहना है, लेकिन आपका कोई एक नेगेटिव थॉट है या कोई एक नेगेटिव पर्सन है जो आपको इस एनर्जी में जाने से रोकता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में भी समझाया था, अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए। हमारे जो चारों तरफ का ओरा है, वहाँ अगर आप ठीक से काम नहीं करते हैं,
तो आप नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर जल्दी हावी हो जाती हैं। इसलिए आपको अपने सारे चक्रास को भी बैलेंस करना है या फिर अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है ताकि ये नेगेटिव चीज़ें आपके लिए, आपके ऊपर वर्क ना करें, मतलब आपसे दूर ही बना के रखें। आप लोग बहुत अच्छी एनर्जी में हैं गाइस, क्वीन ऑफ वेंट्स, क्योंकि आपके पार्टनर को भी आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू समझ आ रही है, उनको समझ आ रहा है कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, इमोशनल हैं, उनके लिए परफेक्ट हैं आप। अब बात करें आपके पार्टनर किस उलझन में है, किंग ऑफ सोर्ड्स, इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं पूरे तरीके से गुस्से में हैं, लड़ाई झगड़े के मूड में हैं, और उनसे अगर अभी आप बात करना चाहेंगे तो थोड़े दिन रुक जाइएगा, वो खुद से आपको कॉल मैसेज करेंगे। अगर वो इन दिनों में आपको अनब्लॉक कर देते हैं तो आपको सिर्फ उनका स्टेटस देखना है, ऐसा नहीं करना कि बड़े सारे मैसेज करना शुरू कर दिए और उन्होंने आपको मैसेज किया तो आपने सवाल पर सवाल इतने ज़्यादा उनसे कर डाले कि उन्होंने इरिटेट होकर फिर से ब्लॉक कर दिया, ठीक है। पूरे आपके पार्टनर पावर में है, गुस्से में भी हो सकते हैं, क्यों है यहाँ पर यह एनर्जी क्यों आई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अब हम इस एनर्जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस रिश्ते में शुरुआत तो करना ही चाहते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स पूरे गुस्से में है, पावर में है, किस चीज़ से निकलना चाहते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जो पर्सन आप दोनों के बीच में, जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रही थी, आपके पार्टनर उससे पूरे तरीके से झगड़ा, आर्ग्यूमेंट और उससे दूरी बनाने के लिए पूरे पावर में है। क्वीन ऑफ सोर्स कोई तो है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, आप मैरिड हैं तो भी हो सकता है आपकी मदर इन लॉ हो या सिस्टर इन लॉ हो या कोई ऐसी थर्ड पार्टी हो जिससे आप दोनों के रिश्ते के बीच में दूरी आई थी, नहीं तो आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था। अब देखें बात किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट, थर्ड पार्टी है तो, फैमिली है तो, आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके बीच में, आप दोनों के बीच में जो भी दरार थी, जो भी कमियां थी, जो भी पर्सन था उससे आपके पार्टनर निकलने के लिए बाहर पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि कोई तो पर्सन ऐसा था आपके पार्टनर की लाइफ में जो उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था और आपसे दूरी बनाने के लिए कह रहा था। फाइनली आपके पर्सन इस पर्सन से, जो भी थर्ड पार्टी है, इससे निकलेंगे, बाहर आ जाएंगे, दोनों के बीच में बराबर के आर्ग्यूमेंट, बराबर के झगड़े हो रहे होंगे और लास्ट में क्या होगा गाइस, नाइट ऑफ वेंट्स, आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे इस लड़ाई झगड़े से, इस थर्ड पार्टी से जीत कर। आप देखें ये वॉरियर है, ये पूरी तरीके से जीत कर, मतलब जो भी आप ऊपर वाले से मांग रहे हैं कि मेरा पार्टनर वापस मेरी तरफ लौट कर आ जाए तो वो पर्सन आपकी तरफ ज़रूर लौट कर आएगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या, पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने पार्टनर को भेजनी है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस कब जाएंगे आपके पार्टनर की तरफ, जब आप खुद सेल्फ लव करेंगे। फाइनली आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपको बस थोड़ा सा हौसला रखना है, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त इस एनर्जी में है, गुस्से में भी हो सकते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी कोई भी हो उससे उनका झगड़ा हो रहा है, इस नेगेटिव एनर्जी से निकलेंगे आपके पार्टनर। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी में रहें, दिन भर ऐसा नहीं करना है कि बस अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव सोचना ही नहीं, आपको अपने काम पर भी ध्यान देना है, अपने करियर पर भी ध्यान देना है, आने वाले टाइम में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 10-15 मिनट जब आपको लगता है कि आपको अपने रिलेशन, अपने पर्सन के बारे में सोचना है तो सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, ऊपर वाला हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बना के रखे, आपके मन को शांति और खुशियाँ दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइज।